I'm very excited क्योंकि मेरी friend मधु इसमें है so I am here to support her. मैंने एक promo देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत interesting story लगा. I found her performance fantastic and I'm sure Raja has also done a fantastic job. So I'm really looking forward to watching the film. जिस तरह के टॉपिक लिए गए हैं सब ठीक है, एक नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो है वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक को उभारा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की फिल्म को लेकर? आई थिंक इट्स नाइस क्योंकि ये एक्चुअली सब्जेक्ट्स है जो वेरी सेंसिटिव है बट ऑल्सो वेरी सटल है. टू नो वॉट टू ट्रीट एज डोमेस्टिक वायलेंस एंड वॉट टू ट्रीट एज नॉर्मलसी, द डिवाइडिंग लाइन इज़ वेरी थिन. एंड आई थिंक जो मैंने प्रोमो में देखा है दैट डिवाइडिंग लाइन इज़ वेरी फाइन, बिकॉज वेरी ऑफन वॉट यू थिंक इज नॉर्मल इज ऑल्सो काइंड ऑफ वायलेंस दैट यू आर नॉट you know aware of or you're not willing to accept that it exists in your life. So I think it's very important. Wo jo dividing line hai bahut thin hai aur wo bahut achhi tarah se explore kiya gaya hai yahan pe. जिस तरह से नॉर्मल औरतों पे ये जो इस फिल्म में दर्शाया भी गया है जो बिना कर अपने दर्द को हर चीज़ को सहन कर लेते हैं, तो ये कितना मान्य लगता है कि आपको सही लगता है कि औरतें जो सहन कर लेते हैं कितनी हद तक सही भी है या गलत भी? देखिए हर चीज़ में इंडिविजुअल चॉइस होता है, हर चीज़ की इंडिविजुअल चॉइस होती है. एंड कोई लोग को लगता है कि सहना सही है, कोई औरतों को लगता है कि मैं नहीं सह पाऊँगी, नहीं सहना गलत है. तो ये इंडिविजुअल चॉइस है. सो अनलेस यू आर इन समबडी एल्सेस शूज़ यू कैन नेवर से व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, बिकॉज हर ज़िंदगी अलग है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलग चॉइसेस करने का हक है. मैम वैसे भी इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है ऑलरेडी. ओह दैट्स गुड, ओके. 10 to 12 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. एक तो मेरी फ्रेंड के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ. मातु कम हियर. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो सच गुड स्टफ इज गोइंग ऑन. या थैंक यू. थैंक यू.